मेरा नाम है जयमंत शर्मा, मैं बापूनगर विधानसभा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि कोरोना की महामारी चल रही है पिछले 26 दिनों से हम रेगुलरली 1500 से 2000 लोगों के फूड पैकेट बनाते हैं यहाँ पर और वितरित करते हैं अलग अलग एरियों में, चालियों में जाकर। हमारी टीम है 15 जन की, हमारे जो यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर हैं सब लगे हुए हैं, वो दिन में सैनिटाइज़र करते हैं पूरे एरिया में और दोपहर में सब खाना बनाने बैठते हैं और शाम को सभी जितने भी गरीब इलाके हैं सभी जगह पर हम लोग खाना पहुंचाने का काम करते हैं। कम से कम 1500 और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोगों का खाना हम रोज़ के रोज़ पहुंचाते हैं। ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम सेवा में लगे रहेंगे। समाज को हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि भाई आपके आसपास कोई भी गरीब भूखा ना सोए। अगर कोई गरीब भूखा है जिसके पास खाना नहीं है, जिसे खाना नहीं पहुँचता है, उसे हम खाना पहुँचाएंगे। हम सिर्फ लोगों से, हमने एक हेल्पलाइन नंबर दी हुई है लोगों को, हमने सोशल मीडिया के थ्रू पूरे बापूनगर विस्तार में हेल्पलाइन नंबर डाला हुआ है कि ये हेल्पलाइन पर आप फ़ोन करके हमें जानकारी दें कि अगर तुम्हारे आसपास कोई भी गरीब इंसान है जो भूखा सो रहा है उसे हम खाना पहुंचाएंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 999-888-7688। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने से क्या होता है कि जो आसपास जितने भी गरीब लोग हैं जो सेवा का लाभ लेना चाहते हैं या उनके आसपास कोई भी लोग हैं जो बता सकते हैं हमें कि यहाँ गरीब लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ हमारी वॉलंटियर की टीम गाड़ी लेकर जाती है और खाना पहुँचाती है। और साथ ही साथ हम जो पुलिसकर्मी हैं और जो AMC के सफाई कर्मचारी हैं उनको हम सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का काम भी कर रहे हैं। हम जितने भी मस्टर हैं हमारे एरिया के आसपास के, बापूनगर हो गया, सरसपुर हो गया, रख्याल हो गया, फिर मरगा फार्म हो गया, जितने भी मस्टर हैं वहाँ पर हमने सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया है। और पुलिस जितने भी चौराहे पर हमें पुलिस मिलती है उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र हम फर्जियात देते हैं कि उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। मैं अहमदाबाद की और गुजरात की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जैसे तो पूरे भारत के देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो लोग घर में नहीं रहेंगे तो कोरोना बढ़ता जाएगा। जिस तरह से अहमदाबाद में केसेस निकले हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी लोग घर में रहें। कोई भी सेवा का कार्य है वो हम करने बैठे हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं पड़ेगी, बस प्लीज़ आप थोड़े दिन घर में रहें तो जिससे कि हम कोरोना के सामने लड़ाई लड़ सकें।